बड़ी खबर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन थर्ड की अदालत में आपत्ति दाखिल की है। शाही ईदगाह पक्ष ने दावे में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। कहा है कि हमें बिना सुने ही कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, हमें दावे की कॉपी दी जाए और ईदगाह पक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, वक्त दिया जाए। कोर्ट ने प्रतिवादी की दलीलों को सुनने के बाद आदेश को रिजर्व रखा। अब मस्जिद पक्ष ने कहा है कि हमें दावे की कॉपी दी जाए, ईदगाह पक्ष की तरफ से आपत्ति दाखिल की गई है। मथुरा से सीधे हमारे साथी जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नितिन जुड़े हुए हैं, नितिन का रुख करते हैं। नितिन, देखिए, ईदगाह पक्ष की तरफ से कहा गया है कि उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, उनकी बात को सुनी नहीं गई है, इसीलिए उन्होंने आपत्ति दाखिल भी की है। क्या डिटेल्स हैं और क्या कुछ बातें कही गई हैं ईदगाह पक्ष की तरफ से? नितिन, देखिए, बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से सीनियर जज सिविल डिवीजन थर्ड सोनिका वर्मा ने आदेश दिया था कि एक अमीन की नियुक्ति की थी और जिसके जरिए वहां का सर्वे कराने की बात कही थी, तो इसको लेकर शीतकालीन अवकाश के बाद आज जब कोर्ट खुला है तो जो हिंदू पक्ष, जिसमें सबसे प्रमुख पक्षकार है हिंदू सेना की, इसके जो अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता की याचिका पर आदेश हुआ था, तो उसको लेकर जब जो मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं तनवीर अहमद, जो सेक्रेटरी भी हैं शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के, इसके साथ ही जो दूसरे अधिवक्ता हैं नीरज शर्मा, इन दोनों वकीलों ने ज़ोरदार बहस की। इनके साथ भी एक वकीलों की टीम थी। जब इन्होंने ये कहा कि जब आपने अमीन की नियुक्ति का आदेश दिया है तो हमारा पक्ष क्यों नहीं सुना गया, इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जो भी आपने ऑर्डर दिया है उसकी नकल, यानी उसके जो डेटा शीट है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमें उपलब्ध कराए जाए, हमारा पक्ष सुना जाए, पूरी बात सुनी जाए। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को इस बात को लेकर भी ज़बरदस्त आपत्ति है कि एक अमीन कमीशन नियुक्त किया गया, एक अमीन को अपॉइंट किया गया है, वहाँ का जनरल इंस्पेक्शन करके आए और उसको हिंदू पक्ष की तरफ से इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है जैसे ये सर्वे हो रहा है, ज्ञानवापी प्रकरण की तरह सर्वे हो रहा है। बाकायदा एक कमीशन गठित किया गया है, ये जुडिशियल कमीशन है और जिसमें बाकायदा फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी। मतलब ये मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि छोटी सी बात को बहुत बड़े स्तर पर प्रचारित हिंदू पक्ष कर रहा है। इसको लेकर आज जब कोर्ट में जिरह हुई, बहस हुई, तो कोर्ट ने सारी बातों को सुना, दलील को सुना और मुस्लिम पक्ष को समय दिया है। अब देखना यह है कि 20 तारीख तक नेक्स्ट हियरिंग है, तो 20 को अब नेक्स्ट हियरिंग होगी, उससे पहले ऑर्डर शीट में कोई हाल फिलहाल में 2-3 दिन में कोई और डेट आ जाती है जिसमें आगे की कोर्ट की सुनवाई होगी। ये आज या कल सुबह तक तय हो जाएगा कि कोर्ट ने क्या इसको लेकर अगली नेक्स्ट हियरिंग क्या रखी है। अभी जो फैसला है वो रिजर्व रख लिया गया है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष को बराबर समय दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से सर्वे की बात की गई तो अचानक से सियासत गर्म हो गई और मुस्लिम पक्ष में ज़बरदस्त हलचल भी बढ़ी रही। वहीं दूसरी तरफ एक और अन्य मामले में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसमें शिशिर चतुर्वेदी है हिंदू महासभा, उनकी तरफ से वाद दाखिल किया गया है, उस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अदालत में कल सुनवाई होगी। वहीं एक अन्य हिंदू पक्षकार हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के, जिससे के जो पक्षकार हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया, कहा है कि मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोग उनकी कभी भी हत्या करा सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए इस पूरे मामले में जो पॉलिटिक्स है वो कोर्ट के अंदर जिरह देखने को मिल रही है, कोर्ट के अंदर वाद प्रतिवाद आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, लीगल आर्ग्यूमेंट्स, तो कोर्ट के बाहर सियासत भी देखने को मिल रही है। 13.37 एकड़ का ये विवाद है और ये विवाद है जिस जगह पर जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, जो तामीर की गई थी औरंगजेब के शाही फरमान के जरिए, उसको लेकर ये विवाद चल रहा है। और उसको लेकर जब मामला कोर्ट में पहुंचा, एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह सबसे पहले कोर्ट में पहुंचे, उसके बाद करीब एक दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं लंबित हैं। उन्हीं याचिकाओं में से एक याचिका जो हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने लगाई थी, उसमें कोर्ट ने ये कहा कि अमीन जाकर ये देख ले, सोनिका वर्मा जज ने, कि वहाँ क्या स्थिति है। और अब इसको हिंदू पक्ष सर्वे का नाम दे रहा है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जनरल प्रक्रिया में कोर्ट ने ये एक कह दिया है कि अमीन, जो राजस्व की एक निचली इकाई होता है, वो जाकर एक रिपोर्ट देख ले, तो इसको बहुत बहुप्रचारित किया जा रहा है, बड़े स्तर पर इसको एडवर्टीजमेंट इस तरह से किया जा रहा है कि जैसे ज्ञानवापी जो प्रकरण रहा है वाराणसी में, वहाँ जिस तरह से सर्वे हुआ। हालांकि चीज़ें धीरे धीरे और जो पिक्चर है वो क्लियर होती जाएगी,
आज ऑब्जेक्शन आपत्ति मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल कर दी गई है और मुस्लिम पक्ष को समय भी कोर्ट ने दे दिया है। और अब देखना यह है कि जो नेक्स्ट हियरिंग आएगी उस पर क्या स्पष्टीकरण, क्या स्पष्टता नजर आती है, क्या कोर्ट ये कहता है, अमीन जाएंगे, क्या बातें कही जाती है, नितिन क्या दलील दी जाती है, स्पष्टीकरण किस तरीके से दिया जाता है, इस पर लगातार नजर होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए नितिन। देखिए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। दिनेश शर्मा ने कट्टरपंथियों से अपनी जान को खतरा बताया। दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं दिनेश शर्मा और दिनेश शर्मा ने यह कहा है कि अगर मेरी हत्या हुई तो जिलाधिकारी मथुरा इसके जिम्मेदार होंगे। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। आप बताइए, आपकी जान को खतरा है? मैं कृष्ण जन्मभूमि केस से ईदगाह को हटाने के केस में मुख्यवादी हूँ हिंदू महासभा की तरफ से, और मैंने पहले ही प्रार्थना पत्र दिया था। पिछली बार भी मगोरा थाने के अंतर्गत मुझ पर हमला हो चुका है जानलेवा। कल भी मैं अपने घर जा रहा था तो मुझ पर हमले का प्रयास किया गया और मुझ पर मेरी जो घर की रेकी की जाती है तो मैं कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के निशाने पर हूँ और मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि यदि मेरी हत्या हो जाती है तो मथुरा डीएम को जिम्मेदार समझा जाए, क्योंकि मैं मथुरा डीएम को कई बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ कि मेरी सुरक्षा करें, मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। डीएम सुनवाई नहीं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ना जाने शासन प्रशासन की क्या मंशा है, अभी तक सुरक्षा नहीं मिल पाई है। मथुरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू सेना के मुख्य पक्षकार विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता शैलेश दुबे से एबीपी गंगा के संवाददाता नितिन उपाध्याय ने खास बातचीत की। उन्होंने सर्वे के लीगल आधार को बताया है और समझाया कि सर्वे के आधार पर क्या तय होगा। शीतकालीन अवकाश के बाद जो सर्वे के जो आदेश दिए गए हैं उसकी जो लीगल प्रक्रिया है वो आज से आगे बढ़ेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्य पक्षकार के अधिवक्ता शैलेश दुबे जी हैं। सर ये बताइए कि आज क्या क्या कोर्ट में रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से जो वैकेशंस के बाद आज कोर्ट खुली हैं। आज शीतकालीन अवकाश के बाद प्रथम दिन न्यायालय खुला है। आज जैसे कि मैं आप सभी को संज्ञान में पहले पूर्व में दे चुका हूँ कि ठाकुर श्री कृष्ण भगवान के लिए हमने जो उनकी भूमि उनके नाम पर है उसको सुरक्षित करने के लिए दावा प्रस्तुत किया है, जिसमें अमीन महोदय के निरीक्षण के आदेश किए गए थे। वो अमीन महोदय आज हमको सूचना देंगे पक्षकारगण को कि किस दिन वो निश्चित करेंगे परीक्षण के लिए जाना। शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में सर्वे किस तरह से होगा, किस आपको आपका क्या इसको लेकर लीगल आपका नज़रिया? मैं आपको बताऊं कि ये हमारे न्यायालय की प्रक्रिया का एक भाग है, जिसके अंतर्गत अमीन महोदय जो जाते हैं वो जो भी वास्तु स्थिति संपत्ति की होती है उसका निरीक्षण करते हैं और जहाँ पर जो चीज़ें मौजूद हैं वो न्यायालय के समय लाकर और उसको उनको उपस्थित प्रस्तुत करते हैं, सारी चीज़ों को बताते हैं। जैसे कि कहीं पे कोई मज़ार बनी है, कहीं कोई कमरा बना हुआ है, कहीं कोई पौराणिक कोई चीज़ बनी हुई है, उस सबको अपने लाएंगे, नोट करके अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे और नक्शे के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। मथुरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।